answer me out, try to ask whatever you are having a doubts into yourself. Because we are similar. I'm not at all different. Just the reason ki main yahan pe khadi hu, main bol rahi hu, we have no difference in actually you and me. ठीक है, सो जस्ट टेक इट इन दैट मैनर. ये कोई लंबा सा सेशन नहीं होने वाला, ठीक है. मेक इट इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए भी, इवन मेरे लिए भी, सो दैट यू पीपल ऑल्सो एंजॉय एंड आई ऑल्सो एंजॉय. ओके, स्टार्टिंग हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वन एंड हाफ टू आवर्स के अंदर. सो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेरी जर्नी. एंड आई टेल यू द रीजन की मैं अपनी जर्नी क्यों बता रही हूँ. आई विल टेल यू इन अ वेरी शॉर्ट वाइज. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा तुम्हारे सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि आई नो सब लोग इंस्टा पे हो गए, सब लोग ये भी यूज करते हो गए, व्हाट्सएप, एवरीथिंग अलॉट. सो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द करेक्ट वे उसको यूज करने का, ठीक है. हाउ डिड आई यूज और हाउ डिड आई गैदर्ड ऑल दीज थिंग्स. सो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं. देन थोड़ा सा डेटा साइंस और पाइथन के लिए शिफ्ट आउट करेंगे कि वॉट इज डेटा साइंस और पाइथन क्या होता है, तुमको अपना करियर उसमें बनाना है, सो क्या प्रोसेस यूज करना चाहिए, क्या मेथड है अपना करियर बनाने. So this is gonna be something DA से 2 घंटा आज. Okay. So let me introduce myself first of all. I'm Shambhavi Gupta and I'm the instructor at Udemy, where I have trained more than 60,000 students with my 15 plus courses spread all over 176 countries in the world. I work as an instructor at Upgrad, SME at Upgrad. I work as a video content creator for Geeks for Geeks, Great Learning, Algebra, Lambda, Test, and many more edtechs. Recently, I joined An Academy as well for their great preparations for 2024 coming up batch. There as well, I'm serving as a YouTube live sessions and as a maybe instructor also. So this is what all I am doing. I'm a 3-time Joe's Talk speaker. I have my YouTube channel, Fun with Data Science. So these are the things I'm doing. Or whatever I'm doing, na jahan pe main live sessions leti hu, videos create karti hu, sari ki sari ek field mein hoti hai. That is aapka Python and Data Science. That is my field of expertise. ठीक है. So I hope सबको आइडिया मिला होगा फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, व्हाट आई एम एग्जैक्टली. जस्ट से यस और नो समथिंग. सो दिस इज जस्ट नंबर्स. ओके, डिस्कस करते हैं थोड़ी सी मेरी जर्नी के बारे में. आई एम द यंगेस्ट डेटा साइंस एजुकेटर इन इंडिया. एट एज ऑफ 19 आई गॉट दिस टैग ऑन टू मी एज द यंगेस्ट डेटा साइंस एजुकेटर इन इंडिया. अब फॉर द पास्ट 19 ईयर्स, जब तक मैं 19 साल की नहीं हुई तब तक क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में, हाउ डिड आई अचीव दैट, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट थोड़ा सा. सो लाइक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सो इट डजंट मीन्स कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ. मे बी शायद से बहुत से लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये पढ़ने में बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा इसका बैकग्राउंड रहा होगा स्टडीज में, बट नो, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बचपन में पढ़ने में. माई डैड इज सिटिंग ओवर हियर, सो ही ऑलवेज वॉन्टेड मी कि मैं अपने एरिया के सबसे बेस्ट स्कूल में, सबसे हाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ू. एंड ही एडमिटेड मी ऑल्सो मेरे एरिया के सबसे बेस्ट स्कूल में, बट इन मे क्लास 7th आई एक्चुअली फेल्ड आउट. हमने सुना है स्टूडेंट 9th में फेल होता है, 10th में फेल होता है, इवन 12th में आगे फेल होता है, बट आई एम वेरी 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 इनटू इट. मैं क्लास 7th में फेल हो गई. ओके, आफ्टर फेलिंग मेरे स्कूल में मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया एंड व्हाट माय प्रिंसिपल सेड टू माय पेरेंट्स कि अपनी दम लड़की को मेरे स्कूल से लेकर जाइए, शी इज स्पॉइलिंग माय इंग्लिश मीडियम स्कूल की रेपुटेशन. एंड दैट थिंग मुझे इतना समझ नहीं आया, ऐसे यार फेल हो गया, नहीं पढ़ा था, मुझे निकाल दिया गया. बट जब मुझे न्यू स्कूल में एडमिट किया गया, सो आई वॉज दैट इंट्रोवर्ट किड ना, कि अगर उस टाइम पे तुम मुझसे मिले होते और तुम्हें सामने खड़े होते, मैं तुमसे हाय भी नहीं कर पाती, हैंडशेक तक नहीं करती. आई वॉज दैट इंट्रोवर्ट किड. मैं भी सिंपल सी किनारे की सीट में बैठ गया, आई यूज्ड टू लिसन क्लास में क्या हो रहा है, दैट दैट सॉन्ग. मेरे टीचर्स जानते नहीं थे कि अच्छा शांभवी बोल भी पाती है. सो आई वॉज कंप्लीटली दैट काइंड ऑफ अ किड. मेरा स्कूल चेंज हुआ बट मेरे मार्क्स चेंज नहीं हुआ. अगेन मैं एक सिंपल सी स्टूडेंट थी, मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, एवरेज स्टूडेंट जैसे तैसे पहुंचे 10th 11th 12th तक. सो इन 11th मेरे डैड ने कहा शांभवी आई वॉन्ट कि तुम IIT के लिए प्रिपरेशन करो, आई वॉन्ट यू टू गो इन टू वेरी गुड NIT और IIT. आई सेड ओके. उन्होंने मेरे लिए कॉल लाइक कोचिंग्स अरेंज करी, एवरीथिंग आई गॉट एट माय होम. सो सब चीजें अरेंज करने के बाद आई गिव माय IIT एग्जाम इन माई क्लास 2 फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके साथ साथ बहुत सारे और एग्जाम्स पड़े थे, देयर इज लाइक एग्जाम्स होते हैं कॉमेट के एंड विथ पिलानी, बहुत सारे होते हैं एट दैट ऑफ टाइम, राइट. सो आई इवन फिल्ड आउट ऑल ऑफ बुक्स, बट व्हाट हैपेंड जब मेरे रिजल्ट्स आए, सो JEE के एग्जाम में आई गॉट 7.5 लाख रैंक आउट ऑफ 8 लाख स्टूडेंट्स. नो चांस फॉर एनी 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 डिग्री,
राइट, नो चांस. आई वांटेड टू कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस ही फील्ड में जाना चाहती थी. उसको तो छोड़ के मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला था, लोएस्ट से लोएस्ट. और दैट वाज सेम सारे के सारे एग्जाम्स में. ठीक है, दैट टाइम मैंने सोचा कि मे बी मेरा लक नहीं साथ देगा, बिकॉज सभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, वी ब्लेम आवर लक कि यार मेरा लक नहीं साथ दे रहा है मेरा, दैट इज व्हाट वी डू. सो मैंने अपने लक को ब्लेम करके आई मूव फॉरवर्ड. अगेन हम लोगों ने एक साल का ड्रॉप किया एंड आई अगेन प्रिपेयर फॉर माय जेईई एग्जाम्स. फिर से फॉर्म भरा, अगेन दैट ऑल बिट्स एंड देयर वाज सम अमृता विश्व के आईआईटी, लॉट ऑफ एग्जाम्स मैंने वापस से भरे एंड द रिजल्ट वाज सेम. वापस से आई फेल्ड इन ऑल ऑफ दोस 20 एग्जाम्स. सो कैन यू बिलीव कि डेढ़ साल के अंतर में आई हैड फेल्ड 40 प्लस एग्जाम्स. Now, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा होगा, so it's a kind of a little depressing moment for you also. Not because कि आपके parents आपसे कुछ कहेंगे, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, trust me. वो इतने सही होते हैं कि they would say कि अरे यार कोई बात नहीं, नहीं हुआ, we will take a private college, go and do a lot of things. But the relatives which you have, the neighbors which you have, उनके पास आदत होती है ना पूछने की, यार क्या हुआ, कौन सा कॉलेज मिला. And when you have to say कि नहीं यार कोई कॉलेज नहीं मिला, so that is something जहाँ पे तुम्हारे parents को for you वहाँ पे शर्मिंदा होना पड़ता है कि नहीं यार उसका किसी कॉलेज में नहीं हुआ, किसी ऐसे ही कॉलेज में देख लिया. so I had even faced out all of those things, but पता है मैंने उससे क्या किया, मैंने उससे सीखा कि मैं lack कहाँ करती हूँ. तुम लोगों में कभी भी कोई एग्जाम में फेल होते हो, कोई भी टेस्ट फेल होते हो, किसी भी एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, सो व्हाट डू यू डू, तुम इसको देखने की कोशिश करते हो ना कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, क्या आंसर तुमने गलत लिखा, कौन सा क्वेश्चन नहीं सही से आंसर किया कि तुमको कम मार्क्स मिले. दैट आई डिड, मैंने ये फिगर आउट किया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है. टिल दैट टाइम मेरे डैड ने कहा कि आईटी कर लो, आई डिड द सेम. इवन एट दैट टाइम मैंने फैशन डिजाइनिंग का एग्जाम भी दिया कि चलो यार उसी में मिल जाता है, बट नो उसमें मुझको नहीं मिला क्योंकि मैंने अपना इंटरेस्ट फिगर आउट नहीं किया. वॉट इज माई ओन इंटरेस्ट, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है अपनी लाइफ में. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि तुम लोग को करना है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो. अच्छा टेल मी, यहाँ पे कितने लोग हो जिसको ऑलरेडी क्लियर है माइंड में कि तुमको क्या करना है. आई वॉन्ट यू टू रेज योर हैंड्स. तुमको क्या बनना है चार साल बाद, या चार साल बाद तुम खुद को कहां देख रहे हो, किसके किसके माइंड में क्लियर है ये चीज. यस, आई वांट यू टू स्टार्ट अ प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम फर्स्ट. आई एम ओजस्वी एंड आई एम अ स्पाइन साइबर सिक्योरिटी. ओके, सो यू आर स्पाइन साइबर सिक्योरिटी. सो व्हाट डू यू वांट टू, लाइक व्हेयर आर यू सीइंग यू आफ्टर 4 इयर्स? मोस्ट लाइकली एज अ फ्रीलांसर. साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है और वो चार साल बाद अपने आप को मे बी फ्रीलांसर या मेंटर इस फील्ड में देख रहे हैं. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑल ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर, व्हाई डिड यू टेक सीएससी, क्या रीजन था सीएससी लेने का? अच्छा टेल मी दैट. हाँ यस, ओके, सो व्हाट एवर जो भी तुमने फील्ड लिए उसको लेने का क्या रीजन था? आई जस्ट वांट टू नो दैट, व्हाट एवर द फील्ड जिस भी ब्रांच के हो, व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग दैट ब्रांच? बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, कोडिंग बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, जस्ट लाइक चिल्ड्रन सेमीकंडक्टर. ओके नाइस, एनीवन एल्स? ठीक है, अमंग 50, 60, 70 तुम तो समझ से लाइक ओनली 3 या 4, 3 या 4 बच्चों को पता है कि व्हाई दे हैव टेकन सीएससी. सी नाउ हियर द डिफरेंस, तुमको ये नहीं पता कि यू हैव टेकन सीएससी. अब तुम लोग, आई नो तुम लोग यहाँ बोल नहीं रहे हो मेरे सामने, बट आई नो तुम लोगों ने सीएससी लिया है. रीजन ये है सीएससी लेने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाई पेइंग होता है सीएससी, सेकेंड उसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तुम अपने आप को मे बी 4 साल बाद 50 लाख से 1 करोड़ के पैकेज पे देख रहे होगे, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस तुमको दिखाते हैं कि उनके कॉलेज से ये बच्चा इस पर्टिकुलर पैकेज पे पास आउट हुआ है. दैट इज ओनली द रीजन सबने सीएससी लिया है, राइट? ट्रू, राइट? यही सिर्फ एक रीजन होता है कि हम लोग सीएससी लेते हैं.
आई टुक सीएससी क्योंकि मैंने ये फिगर आउट किया कि मेरा इंटरेस्ट एग्जैक्टली सीएससी में क्या है. सीएससी तो एक चीज है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स डिवाइड होते हैं तुम्हारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपर, इतने सारे होते हैं. तुमको क्या बनना है? सिर्फ सीएससी, यू कांट बी अ सीएससी. ये एक टर्म जो सीएससी है ना, तुम वो नहीं हो सकते हो. तुमको कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टर्म लेना पड़ेगा अपने आप में बनने के लिए. अच्छा, हम तो कहते हैं सीएससी से पर्सन इंजीनियर बनता है. सो व्हाट एग्जैक्टली एन इंजीनियर इज? क्या तुमने सोचा था क्लास 12 में कि तुमको इंजीनियर बनना है? तुमने ये सोचा था कि इंजीनियर बनना है? तुमने ये सोचा था कि मुझे आईआईटीएन बनना है? आईआईटीएन बनना है, ट्रू. चलो ठीक है, वो सब हो गया. अब तुम क्या सोच रहे हो कि तुमको इंजीनियर बनना है कि तुमको 50 लाख का पैकेज लेना है? 50 लाख का पैकेज लेना है, ट्रू. सो इंजीनियर कहाँ पे आता है? वेयर इज दैट इंजीनियर थिंग जिसके लिए तुमने सीएससी ली है? That is the correct approach. Engineer बन के तुमको 50 लाख का लेना है. That is and that should be your thinking. True? Just clap for him once. So engineer वो होते हैं जो कि कुछ ना कुछ नया develop करते. So उस चीज को अपने दिमाग में रखो कि you have to develop something. तुमको किसी के लिए job नहीं करनी. यू डोंट हैव टू गो इन अ कंपनी और तुमको गूगल में बैठ के कोड करना है. ये मत सोचो. ट्राई टू थिंक कि तुमको गूगल में जाके कुछ नया डेवलप करना है सो दैट यू मेक योर ओन आइडेंटिटी ओनली. गूगल में कितने एम्प्लॉयज हैं? सभी इंजीनियर हैं, बट उनमें से तुम दो चार को जानते हो जो कि सोशल मीडिया से बहुत एक्टिव है, जिनके खुद के ब्रांड्स हैं, वो खुद का ब्रांड नेम है. एंड द रीजन, क्योंकि वो कुछ हट के उसके साथ कर रहे हैं. सो डूइंग जॉब इज नॉट ओनली समथिंग विच इज इंजीनियर. इंजीनियर वो होता है जो जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा डेवलप करे कि यू बी योर ओन सेल्फ, राइट? सो आई चूज डेटा साइंस. मैंने डेटा साइंस चूज कैसे किया? अच्छा ठीक, तुम लोगों ने सीएससी लिया, कोई तरीका था जिससे तुमने सीएससी लिया कि तुम लोगों ने बस सुन के सीएससी लिया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे बिल्कुल शांति नहीं चाहिए. ट्रस्ट मी, अदरवाइज मैं आकर एक एक को पास खड़े होकर खड़ा करने लगूंगी. दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है? आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन एंड रिप्लाई मी. खड़े भी मत हो यार, वहां पे बैठे बैठे मुझसे बात करो, राइट? टेक मी एज वन ऑफ द फ्रेंड्स जिससे कि तुम बहुत सारी बातें करते हो. जस्ट टेक मी इन दैट मैनर, ओके? सो सीएससी लिया, अब अपनी एक फील्ड चूज करो. पता है मैंने क्या किया? मैंने 1 वीक अपने आप को दिया, सिर्फ टोटल टाइम अपने आप को. और 1 वीक मैंने क्या किया कि I simply searched out कि इस time क्या क्या topics हैं market में, क्या क्या field हैं, उनमें क्या क्या होता है, और exactly अगर मैं software engineer बन जाती हूँ तो मुझे करना क्या होगा. See, software engineer एक term है, but अगर exactly मैं software engineer बनती हूँ तो मेरा काम क्या होगा वहां पे जाके. तुमने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार software engineer मुझे इस job में मजा नहीं आता है, या मुझे web developer में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दिन भर coding करनी पड़ती. और पता है ये अच्छा ना लगना इसलिए आता है क्योंकि तुमको पता ही नहीं था 4 साल पहले कि उस फील्ड में होता क्या है. तुमको दिन रात कोड लिखना पड़ेगा, तुमको दिन रात वेबसाइट डिजाइन करनी पड़ेगी, ये तुम जानते ही नहीं थे. सो मैंने ये फिगर आउट किया कि एग्जैक्टली तुमने डेटा साइंस ले रहा, तो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होगा, मैं 4 साल बाद कहां बैठी होंगी और मुझे काम क्या करना होगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट. कि अगर तुमको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है तो 4 साल बाद तुम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में क्या कर रहे हो, कि काम क्या है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट. मैंने डेटा साइंस को 1 हफ्ता दिया, फिगर आउट किया क्या क्या चाहिए. एंड आई थिंक डेटा साइंस लेते हैं क्योंकि आई हैड अ लॉट ऑफ रीजंस डेटा साइंस लेने के लिए. आई हैड अ इंटरेस्ट इन पाइथन, मुझे थोड़ी बहुत आती थी, मैंने क्लास 12 में थोड़ी बहुत पढ़ी थी. सेकेंडली मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में एक टाइप था कि कौन सा लेना है. सो आई डिसाइडेड डेटा साइंस. रीजन उसका यह था कि उसमें कम मैथमेटिक्स यूज होती. ट्रस्ट में मैं मैथमेटिक्स पर्सन बिल्कुल नहीं, मैं बस उतनी जानती हूँ जितनी डेटा साइंस में यूज होती है. एंड दैट इज रीजन मैंने मशीन लर्निंग नहीं ली.
फिगर आउट करो कि मार्केट में क्या क्या है, क्या क्या चीजें उस टाइम चल रही है मार्केट में, क्या क्या फील्ड्स है और तुम्हें एग्जैक्टली इंटरेस्ट किस में आ रहा है, राइट। ये सबसे बेस्ट मेथड है अगले 4 साल बाद रिग्रेट ना करने का कि मुझे ये ना लेके ये लेना चाहिए। तुमने सुना होगा बहुत अपने सीनियर्स को कि वो अपने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आगे अपने फील्ड चूज चेंज कर देते हैं, पहले वो सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं, उनको डेटा साइंस में मन लगने लगता है। सो यही एक रीजन है कि सॉफ्टवेयर से डेटा साइंस में उनका मन एकदम से 2 साल में कैसे बदल जाता है। सो जस्ट राइट दैट डाउन। अच्छा तुम लोगों के पास पेपर पेन नहीं है, सो जस्ट हैव इट, उसको निकालो। व्हाट आर यू डूइंग कीपिंग साइड अ बैग, क्या कर रहे हो इस चीज का? हैव अ पेपर पेन, जो भी मैं बता रही हूँ ट्राई टू नोट दैट डाउन। लिसन वन थिंग, अगर तुम टाइम किसी भी चीज में यूटिलाइज कर लो ना, उसको पूरी तरीके से किया, यहाँ 1.5 घंटे तो मजे मारने के लिए बैठने नहीं आए, करेगा और बहुत सारी चीजें ऐसी। किसी ने ऑब्जर्व किया ये चीजें, दैट हैपेंस, राइट।
सो वट एवर यू कंज्यूम यू रिवर्ट दैट बैक. ये इट इज द सेम कि जो भी तुम कंज्यूम करते हो पहले वो तुम सेम रिवर्ट बैक भी करते हो. तो सोशल मीडिया को अप्रोच करने का या सोशल मीडिया को यूज करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छा कंटेंट देखो, क्योंकि तुम जो देखोगे तुम वैसे बनते चले जाओगे. एग्जैक्टली द सेम यू आर. अगर तुम अपने किसी फ्रेंड को पढ़ते देखोगे फॉर द नेक्स्ट एक साल कंटिन्यू, तो शायद तुम में भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाए, तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाओगे. अगर तुम किसी को अगले एक साल मस्ती करते देखोगे या फिर फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करते देखोगे, तुम भी वैसे ही बन जाओगे. कहते हैं ना संगत का असर होता है, दैट इज अ वेरी गुड सेइंग. तो जो तुम देखोगे जैसा तुम करोगे बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाओगे. सो फॉर द कंटेंट पार्ट तीन सी होते हैं सोशल मीडिया में. कंटेंट किस तरीके का कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो. अगर तुम अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे, अगर तुम अच्छे चीजों को कंज्यूम करोगे, तुमको जैसे डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो उसका कंटेंट कंज्यूम करो, तुमको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसका कंटेंट कंज्यूम करो. एंड दैट इज जहां पे तुम अपने आप को एक वेल ह्यूमन बीइंग की तरीके आगे लेके आ पाओगे. सी मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि तुम लोग को इंस्टाग्राम नहीं यूज करना चाहिए. आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट. इंस्टा यूज करो. इंस्टा पे भी तुम्हारी अच्छी चीजें आती है उनको देखो. व्हाई आर यू सीइंग पीपल वहां पे जो डांस कर रहे हैं. व्हाट्स द मोटिव. कोई मोटिव है देखने का कोई डांस क्यों कर रहा है. तुमको पता है तुम क्या करते हो. तुमने किसी का डांस देखा, तुमको लगा यार बहुत अच्छा डांस करते हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ. तुम्हारा तो एक मिनट दो मिनट तीन मिनट जो भी तुमने कहा वो वेस्ट हुआ. बट तुमको पता है उस पर्सन का क्या हुआ. वो उस तीन मिनट का सिर्फ तुम्हारा देखने से उसने कितने पैसे कमा लिए तुम जानते हो. तुम लोगों को शायद पता होगा कि व्यूज पे ही डिपेंड होते हैं जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, उसे व्यूज पे डिपेंड होते हैं. आप कितने कमाते हो पर कमेंट. सी दैट्स नॉट द आंसर. बट मैं कितना कमाती हूँ यू कैन गेट दैट ऑन माय जो स्टॉक्स. ठीक है. पर व्यूज पे ये डिफाइंड नहीं होता है कि हाउ मच मनी यू गेट. इट डिपेंड्स कि आपका कितना एड चलता है. आपके व्यूज के बीच में आपके वीडियो के बीच में जो एड आते हैं आपको उनका पैसा मिलता है, नॉट ऑफ द व्यूज यू यू गेट. आई एम नॉट अ इंस्टाग्राम. So Insta से I don't have any monetary benefits, but talking about YouTube, जितना भी ads run करेगा on that basis you get that respective money. That's the answer. Okay? Now see, what I wanted to say कि आप लोग जो दो से तीन मिनट का वीडियो मान लो आपने YouTube पे देखा या Insta कहीं पे भी देखा किसी का कुछ not from your studies but किसी भी तरीके का वीडियो, you are giving to that person. एक बात बताओ, तुम अपने फ्रेंड को एक ट्रीट देते हो, मान लो एक चॉकलेट देते हो 10 रुपए की, तो तुम उसको 10 रुपए की फ्री दे देते हो, तुम उसे 20-30 रुपए का एक्स्ट्रा लेते हो, तभी तुम उसको 10 रुपए की चॉकलेट देने वाले हो या वो ट्रीट देते हो. व्हाट यू से राइट. सो इन दैट केस अगर तुम 10 रुपए अपने नहीं छोड़ रहे हो, यू आर नॉट गिविंग दैट टू एनीवन. सो तुम लोग को आइडिया भी नहीं है तुम 3 मिनट का वीडियो देख करके हाउ मच यू आर गिविंग टू दैट पर्सन. सो इस चीज को वाइजली चूज करो कि व्हाट यू वांट टू सी. क्या देखना चाहते हो, क्या कंज्यूम करना चाहते हो, ट्राई टू सी दैट और उसी हिसाब से फर्दर टेक इन योर सोशल मीडिया. सेकेंड इज योर कंसिस्टेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी. क्या होती है. एनीवन. Continuity. Okay. What about the back? By setting the goal and dedicated to it. Okay. I don't know. Kitne shant. You didn't have your breakfast or lunch, whatever. No. We are coming. Actually, main tomorrow. Oh, after class, ka asar hai. Okay. See. I will request you to please यहाँ पे active हो अब, क्योंकि वरना तुमको ये session boring लगने लगेगा. And even I will also feel very very bored over here. ठीक है. फर्स्ट थिंग इंटरैक्ट करो मुझसे. लाइक ट्राई टू टॉक व्हेन आई एम आस्किंग यू समथिंग ना. सो श्योर करो, बात करो. श्योर करना आपस में मत बात करना, ये मतलब नहीं है. मुझसे बात करो व्हाट यू वांट. ठीक है. हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्या होती है. किसी भी चीज को कंटिन्यू करना. तो एक बात बताओ, तुम लोग को क्या लगता है कि तुम अपनी लाइफ में कितने टाइम के लिए कंटिन्यू हो सकते हो, कितने टाइम के लिए कंसिस्टेंट हो सकते हो, कितने ड्यूरेशन के लिए हो सकते हो. 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा. ओके, जब तक मजा आ रहा है तब तक. नेक्स्ट 3-4 घंटे हम मोटिवेटेड भी आ रहे हैं. 3 मोटिवेटेड यू बाय द गुड. यस 3-4 घंटा 3-4 घंटा. ओके. एनी वर्ड्स एल्स.
how much consistent you can be a day. Okay, and what is the reason कि तुम consistent क्यों नहीं हो पा रहे हो? Distractions, okay. Lack of motivation. So distractions क्यों आ रहे हैं? What is the reason? जो पढ़ रहे हो तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं, इसलिए तुम कंसिस्टेंसी भी लूज करते चले जाओ. दैट इज द ओनली सम अप, राइट? तो अपने आप नाउ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ये सबको पता है कि होना पड़ेगा. तुमको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, आज का काम कल पे नहीं डालना. और इसको करने का मेरा सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फाइंड अ रीजन. एक रीजन तुम सीएसई कर रहे हो, क्या रीजन है? पता है मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, तो मेरा रीजन था उस चीज को करने का कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था. आई वॉन्टेड कि मेरे डैड, मेरे मॉम, मेरी फैमिली मेरे को प्राउड फील करे कि नहीं, अगर हमने अपने पिछले के 18 साल इसमें इन्वेस्ट किए, हमने इसमें इतना हमने इसको इतना पढ़ाया है, इतना अपना जो भी पैसे थे वो लगाए हैं इस पे, सो शी इज गिविंग मी दैट. तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पे कितना इन्वेस्ट किया हो कभी सोचो. तुम जब पैदा हुए थे तब से लेके अभी 17-18 साल तक कितना सारा उन्होंने इन्वेस्ट किया है. हर एक दिन तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करना, तुम्हें हर एक चीज तुरंत ला के देना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पढ़ाना, हर एक चीज करी उन्होंने तुम्हारे लिए. तो जब तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि तुमको रिटर्न बैक करना है उनको, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम पढ़ रहे हो, तुमको उनको प्राउड फील कराना है, ना तुम्हें लैक ऑफ अटेंशन होगा, ना तुम डीमोटिवेट होगे, ना तुम्हारी कंसिस्टेंसी लूज करोगे. तुम अपने आप इतना कंसिस्टेंट होके काम करोगे कि तुम स्टार्ट के 4 साल बाद वन सीआर के पैकेज में रुकोगे एंड यू विल से कि सी दिस इज द रिटर्न बैक व्हिच आई एम गिविंग टू यू. मेरे डैड हमेशा चाहते थे कि मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ूं. ही ऑलवेज हैड दैट ड्रीम कि आई शुड स्टडी इन आईआईटी दिल्ली कॉलेज. मैं नहीं कर पाई, बट आफ्टर 3 इयर्स व्हाट आई एम गिविंग, आई एम टेकिंग हिम टू हिम. और मैं उसको वहां के प्रेसिडेंट के पास बिठा रही हूं, डायरेक्टर के पास. मैंने कहा नाउ सिट एंड हैव अ टॉक, यू वांटेड दिस नाउ. So this is what you have to have into your own self. कि अपने अंदर तुम्हारे पेट से जो सपने देखे थे ना, एंड सबके पेट से देखे होंगे और वो अभी पूरे नहीं हुए, मुझे बहुत अच्छे से पता रहेगा. Because I have been through that time. तो जब तुम्हारे पेट से सपना देखा हो पूरा नहीं होता, तुम्हारे अंदर एक कुछ भी मोटिवेशन नहीं क्योंकि सपने को पूरा करो. यार पता सबसे बड़ा ये चीज होता है कि अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करो. जब ये दिमाग में आ जाएगा ना, तो इसके आगे कुछ तो फिर रहेगा ही नहीं तुम्हारी लाइफ. कुछ भी नहीं बचेगा सभी. तुम्हें मोटिवेशन क्या, तुम्हें मैं भी नहीं चाहिए होगी, तुम्हें कोई नहीं चाहिए होगा अपने सामने कि वो तुमको कहे कि नहीं यार पढ़ो. तो एक रीजन ढूंढो कि तुम्हें क्यों करना है ये चीज. जब तक रीजन नहीं होगा तब तक बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगे. जब रीजन मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज में अपने आप आगे बढ़ने लग जाओ. ठीक है? जो भी कॉन्टेंट है, व्हाटएवर यू कंज्यूम यू रिफ्लेक्ट दैट. तो जितना अच्छा कंज्यूम करोगे दैट ओनली यू आर गोना रिफ्लेक्ट इट बैक, राइट? तो तुमको करना क्या है यहां से जाके, यू हैव टू फाइंड अ रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट? सो अप्रोच सोशल मीडिया यू ऑल गॉट आइडिया से क्या करना है तुम लोगों को इसमें. ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें की यू कोड एंड यू बिल्ड अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, सिंपल लैंग्वेज, राइट? अब पाइथन तुम लोग में से कितनों को आती है पहले ये बताओ. बिगिनर लेवल एवरीवन, राइट? सो व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ पाइथन, क्या क्या ऑप्शंस, मतलब क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक एक करियर के बताते जो है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. ओके, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? ऐप डेवलपमेंट. व्हाट नेक्स्ट? नेटवर्क इंजीनियर. ओके, नेक्स्ट? डेटा एनालिटिक्स.
मशीन लर्निंग ओके वेब डेवलपर कैन यू बी अ वेब डेवलपर पाइथन यस ओके कैन यू बी एन ऐप डेवलपर यस साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर यस व्हाट अबाउट दैट ओके एब्सोल्युटली राइट एनी जॉब कैन बी डन बाय पाइथन बट वन इज थिंग दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद पाइथन यू रिक्वायर सी सी प्लस प्लस स्किल्स टू फॉर बीइंग दैट ठीक है सो जस्ट रिमेम्बर दैट ओके यू ऑल आर फैमिलियर विद गूगल कोलैब चैट है ना तुम सभी लोग कर दोगे सबके पास लैपटॉप्स हैं यस ओपन दैट वेरी क्विकली कुछ लिखा है नोटबुक पेन में जो मैं कॉपी ऑपी में जो मैं दिया था किसी ने कुछ लिखा है कॉपी में जो मैंने भुला के रखी थी आई विल वॉन्ट मे बी स्नैप फ्रॉम यू ओके तुमने लिखा है तो I will want to watch snap also. Okay?
नया
पास्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं? यस ठीक है. व्हाट आर कीवर्ड्स? ठीक है, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं. पाइथन में कुछ ऐसा जैसे हम लोग ट्रू फॉल्स यूज करते हैं, तो ये क्या है? प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है, तुम लोग जैसे कि मैक्स फंक्शन यूज कर रहे हो. अब मैक्स फंक्शन को कैसे पता कि उसको क्या काम करना है? तुमने सिर्फ लिख दिया मैक्स 1 2 3, वो क्या करेगा? तुमको 3 ला के दे देगा आसान. अब उसको कैसे पता कि उसे करना क्या है? उसे कैसे पता कि उसे सबसे लार्जेस्ट नंबर ला के देना है? तुमने तो कुछ लिखा नहीं ऐसा. तो ये होते हैं तुम्हारे प्री डिफाइंड वर्ड्स, जिनको ऑलरेडी डिफाइंड किया जाता है, उनके पीछे का कोड अपने आप लिख के दिया जाता है. सिंपल, तुम्हारी सेक ऑफ बिजनेस के लिए तुम बस उन चीजों को लिखते हो, तुमको अपना रिस्पेक्टिव आउटपुट मिल जाता है. पाइथन में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं? टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में? यू हैव 32 कीवर्ड्स, रिमेम्बर. और 3 कीवर्ड्स, ट्रू फॉल्स और नन. इन तीनों कीवर्ड्स के सिवा सारे के सारे कीवर्ड्स स्मॉल में होते हैं. ट्रू फॉल्स और नन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है. 32 कीवर्ड्स के लिस्ट निकाल के देखना, सिर्फ इन 3 कीवर्ड्स को छोड़ के तुम्हें कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे कि उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो. सो पता है, ये सारी नॉलेज रखा करो, दिस विल मेक यू डिफरेंट. मैथ फंक्शन सबको आता है, सब जानते हैं कि व्हाट इज अ मैथ फंक्शन. सब लोग जानते हैं कि उसमें इतने इतने इतनी चीजें होती, बट इन चीजों दी हर थिंग जो कि तुमको दूसरा तुमको अलग बनाएंगी और चीजें, ठीक है, और लोगों से. व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? जल्दी बोलना, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? व्हाट इज दिस ए जो यहाँ ए लिखा है, ये क्या है? वेरिएबल. तो वेरिएबल का दूसरा नाम, टेक्निकल नाम होता है आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर इज समथिंग जो कि किसी वैल्यू को होल्ड करता है. तुम लोग वेरिएबल जानते हो, वो सिंपल. अगर टेक्निकल आवा थोड़ा सा डिफरेंट होने की बात करो तो वो होता है आइडेंटिफायर. मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं यहाँ तुमको पढ़ाने नहीं आई, मैं तुमको सिर्फ वो चीजें बता रही हूँ दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द आउटर 1000 स्टूडेंट जो कि सेम चीज को कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर. डेटा टाइप्स, व्हाट आर डेटा टाइप्स? इंट, डबल, व्हाट एल्स? इंट, डबल, बूल, नन, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, टपल, डिक्शनरी, टेक्स्ट, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स होते हैं. तो डेटा टाइप को पता करने का क्या तरीका होता है? How do you find कि कोई वेरिएबल में क्या डेटा टाइप है? प्रिंट टाइप, टाइप फंक्शन, राइट? यू यूज द टाइप फंक्शन. नेक्स्ट, व्हाट आर लिस्ट? लिस्ट क्या होती है? लिस्ट में उसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसे हम म्यूटेबल, म्यूटेबल होती है. ठीक है, यस, लिस्ट क्या होती है? तुम्हारी म्यूटेबल कलेक्शन होती है डेटा की. उसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट चीजेस, क्या तुम स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हो? यस सर. तुम नंबर्स को भी कर सकते हो? यस कर सकते हो. एरिया में कर सकते हो नंबर्स को? मैं एक कोड लिखने वाली हूँ. आई वांट यू पीपल टू गिव मी द आउटपुट ऑफ कोड. तुम लोग को स्लाइसिंग आती है? क्योंकि पीछे यू ऑल नो कि क्यों ए वाई जैसा रिजल्ट.
क्योंकि व्हेनेवर यू हैव द स्लाइसिंग थिंग तो उसमें तुम लोग थर्ड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज़ दैट इज n माइनस 1. अच्छा टेल मी, अगर मुझे लिस्ट को रिवर्स करना है व्हाट विल आई डू? a कॉलम वाला माइनस 1. हां जी, a ब्रैकेट्स कॉलम कॉलम माइनस 1. ब्रैकेट्स कॉलम कॉलम माइनस 1. ओके, एनीवन एल्स? मेमो फंक्शन यूज कर लेंगे. a डॉट फंक्शन, a डॉट r a b रिवर्स. तरीका होता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिस्ट किसी चीज को भी डिवोर्स करने का. ठीक है, अब मुझे बताना कि अगर तुमको यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिख करके देती हूँ, मुझे उसका आउटपुट चाहिए और ऐसे कोई नहीं बोलेगा आउटपुट. ठीक है, मैं आगे कुछ पूछ रहा हूँ. मुझे कितना पाइथन, मे भी मुझे इतना ही पाइथन आता हो शायद.
जितना मैंने बताया तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू ब्यूटीफुल इन एज एज इज नाउ नॉट मोर एक्सपीरियंस भी नहीं है पता है यार ये एज एक्सपीरियंस को डिफरेंस नहीं होता है जब मैं अपने सेकंड ईयर में थी तब मुझे 14 लाख का पैकेज आया था एक कंपनी से एंड आई लेफ्ट मैं फर्स्ट ईयर से पीएचडी एमटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं सो एज एक्सपीरियंस ये सब कुछ नहीं होता है फॉर नाउ नॉलेज नॉलेज यस दैट इज द वन थिंग जो कि शायद से हम लोग को डिफरेंट बना पता है डिफरेंट क्या बनाता है तुम्हारी और मेरी थिंकिंग चीज सिर्फ तुम्हारी अपनी थिंकिंग जो है चीजों की वो मुझको तुमसे डिफरेंट बनाता है अदरवाइज मैं भी तुम्हारे जैसे ही कॉलेज को बिलोंग करती हूँ मैंने भी ऐसी ही स्टडीज ली हैं मैंने भी अपने कॉलेज में पढ़ा है बट मेरे सोशल लाइफ में तुम लोग क्या करते हो एक ग्रुप बना के जाके कैफे में बैठ के बातें करते हो दैट इज व्हाट यू मैं अपने उस टाइम को यूटिलाइज करके अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करती हूँ दैट इज ओनली द डिफरेंस बहुत से फ्रेंड्स आज कैफे में बैठे होंगे शायद चिल आउट कर रहे होंगे बट तुम यहाँ पे हो क्योंकि तुमको कुछ सीखना है यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग सो जस्ट वन एडवाइस टू एवरी वन हैव अ रीजन कि तुम कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो वॉट इज द रीजन फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग और जब तक रीजन नहीं तब तक कोई काम नहीं द डे यू गेट द रीजन तुम ऑटोमेटिकली सारी चीजों में एक्सेल करने लगोगे एंड आई एम वेरी श्योर अगले एक साल के अंदर तुम मुझसे कहीं बहुत ज्यादा ऊपर खड़े होके एंड आज मे बी सीइंग यू दैट ओके आई ट्रेन्ड दिस स्टूडेंट मिली थी इससे नाउ ही इज गिविंग दिस वर्कशॉप ओवर हियर सो हैव दैट